नमस्ते दोस्तों, हमारी चैनल HP King 01 ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है और ये हमारा दूसरा पार्ट है लिली परिक्रमा का। तो दोस्तों, लिली परिक्रमा का ये दूसरे पार्ट में हम आपको एक नई अपडेट देना चाहते हैं कि तारीख 16/11/2021 को यहाँ पे अन्न क्षेत्र भी शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, अभी हम करीबन जीना बाबा की जो मठी है वहाँ पहुँच चुके हैं और आप यहाँ परिक्रमा करते हो तो आपको एक बात की बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे जंगल में प्लास्टिक का कचरा नहीं फैलाना है और यहाँ के जो पेड़ है उसे नहीं तोड़ना है। लेकिन पानी की आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जो यात्री यहाँ पे आए हैं वो अपना जो खाना खुद बना रहे हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जो अभी आप देख रहे हैं मासी यहाँ पे खाना बना रही है। तो कई यात्री दूर से आए हैं तो थक के अभी सो भी गए। कई लोग चाय बना रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो जीना बाबा की जो मठी है उससे पहले यहाँ पे माँ काली का जो मंदिर है वहाँ हम दर्शन करेंगे। माँ काली माता फाइनली दोस्तों, अभी जीना बाबा की जो मठी है वहाँ हम जाने वाले हैं। तो उससे पहले जो महाकाली माँ का मंदिर आता है वहाँ दर्शन करना मत भूलना। अभी आप देख रहे हैं परिक्रमा में चाय बनाने की भी सारी सामग्री लोग साथ में लाए हैं और पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे चाय भी बना रहे हैं। उसोरे गरवा जाने दातार
एवा भरोसा हमने भारी गरवारे लीली ने पिरी धजाए फरुके एवी बोवतन भारी अभी धोरी रे धजाऊ पड़ते वारी एवो गरवो दाता ए गिरनारी ए गिरनारी रे તો દર્શક મિત્રો અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ પરિક્રમા માટે મોટી ઉંમરના વૃદ્ધ દાદી પણ અત્યારે પરિક્રમા કરી રહ્યા છે અને ખૂબ સારી રીતે અત્યારે જોઈએ તો માળવેલ સુધી પહોંચવા આવ્યા છે. તો માં તમારા વર્ષ કેટલા થયા? 88 વર્ષના દાદીમાં અત્યારે જુસ્સાથી માળવેલા જઈ રહ્યા છે તો ખૂબ સારી વાત કહેવાય. અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો दोस्तों. यहाँ पे कहीं नदी और कहीं गुफाएं आई हुई है, वहाँ से आपको पानी भरना हो तो आप अपनी पानी की जो बोतल है उसे भर सकते हैं. मार्वेल ला पहुंचने वाले हैं, वो देख रहे हैं कि कई लोग यहाँ पे थक के आराम कर रहे हैं. यहाँ का जो थोड़ा रास्ता है वो थोड़ा कच्चा है और आपको जो पानी लाते हो तो पानी बचा के रखना पड़ेगा क्योंकि पानी यहाँ पे बहुत दूर तक पानी नहीं होता है. तो अभी हम मार्वेला पहुँचने आए, यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, नदी है, तो हम हमारी बोतल भर के आगे का सफ़र शुरू करेंगे. तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं महाकाली मंदिर मारवेला. तो मारवेला में भी भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है जिसे आप अभी देख सकते हो. पीछे की तरफ लाइन लगी हुई है, अन्न क्षेत्र यहाँ भी. सबसे पहले महाकाली माता जी का हम दर्शन करेंगे और आपको यहाँ का सारा नज़ारा एक्सप्लोर करेंगे.
हवेला की घोड़ी ये आखिरी पड़ाव है। इसके बाद जो रास्ता आएगा एकदम प्लेन रास्ता आएगा, चलने में कोई कठिनाई नहीं रहेगी। कोटे Perfect.